दो जुड़वा भाई थे। उन दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल सूरत हर तरह से वो एक जैसे थे, सिर्फ उनकी अकल और समझदारी से हटके सब कुछ उनका एक जैसा था। समझदारी में एक बहुत ज्यादा समझदार था और एक थोड़ा सा कमजोर था। टाइम के साथ साथ वो जब बड़े होते रहे, वो इतने ज्यादा जुड़वा थे कि बाद में उनकी माँ भूल जाती थी कि किसका क्या नाम है। जब वो बड़े हुए तो बाप ने माँ से डिस्कस किया, माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, तो बाप ने कहा कि ये ना हो हमारे बाद इनके लिए मसला बने, तो हम ऐसा करते हैं अपनी जिंदगी में ही इनके हवाले जायदाद कर देते हैं ताकि बाद में हमारे बाद इनके लिए मसला ना हो। बाप ने फैसला किया तो उनमें जो चालाक बचा था उसने कहा कि हम एक जितना हिस्सा नहीं लेंगे, मैं ज्यादा समझदार हूँ मुझे ज्यादा मिलेगा, वो कम समझदार है उसे कम मिलेगा। बाप ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं आप इम्तिहान ले लें जो ज्यादा समझदार होगा। बाप ने माँ से डिस्कस किया और जो बच्चा कमजोर था देखने में उससे डिस्कस किया, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप जो भी इम्तिहान रखें हम इम्तिहान देंगे, जो इम्तिहान में कामयाब हो गया उसको आप ज्यादा दे देना, दूसरे को कम दे देना। तो बाप ने काफी सोच के बाद एक दिन उन्हें कहा कि कल सुबह उठोगे और कल सुबह तुमने जाना है और तुमने जाके मगरिब से पहले तक वापस आना है, जहाँ तक तुम जाओगे वो सारा जगह वो सारा इलाका वो सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। जब ये बात हुई तो अगले दिन सुबह जो बच्चा उनमें से लालची था, जो ज्यादा समझदार समझता था खुद को, वो घर से निकला और वो भागने लगा, जबकि जो दूसरा बच्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। उसने बाप ने उनसे घड़ी ले ली कि भाई तुम्हारे पास घड़ी नहीं होगी ताकि तुम टाइम ना देख सको, तुमने सूरज के मुताबिक चलना। जो बच्चा उनमें कम समझदार लगता था माँ बाप को और दूसरे भाई को, उसने चलना शुरू किया और वो इतनी स्पीड में चलता रहा कि उसे सांस न चढ़े, वो थक ना जाए। जब वो दोपहर हुई, वो दोपहर को जहाँ पहुंचा था उसने जब देखा, उसके दिमाग में आया कि जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो इंसान का साया बिल्कुल खत्म हो जाता। उसने जब फील किया कि दोपहर हो चुकी है, सूरज बिल्कुल सर पे है, तो उसने वहां से वापस मुड़ने का इरादा किया और वो वहां से वापस मुड़ के घर की तरफ को चल पड़ा, जबकि दूसरा जो लालची था वो घर से निकल के भाग पड़ा था कि ज्यादा से ज्यादा मैं सफर तय कर लूं। वो इसी चक्कर में कि ज्यादा से ज्यादा वो फासला तय कर ले, ज्यादा से ज्यादा जायदाद की लालच में वो तेज तेज निकला तो वो थक गया, शाम को वो वापस ना मुड़ सका। जबकि ये जो कम समझदार था ये वापस मुड़ आया और आके घर पहुंच गया, जबकि दूसरा था वो घर वापस ही नहीं पहुंच सका रात तक। अब इस वाक्य को आज तक पहुंचाने के दो मकसद है। एक तो मकसद जो आपने अक्सर सुना होगा कि लालच बुरी बला। अब दूसरा ये कि जो कुदरत के कानून है, जो नेचुरली चीजें हैं, उसमें आप कभी किसी का हक मारने का सोचोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जिंदगी में इस चीज को याद रखो, एक तो लालच बुरी बला है, दूसरा किसी का हक खाना, किसी के हक की तरफ गलत नजर भी उठाना आपको बहुत नुकसान दे सकता है। इस कहानी से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था कि आप कोशिश करें कि आपके पास जो अपना है बेशक वो थोड़ा है उस पर शुक्र अदा करें, ना कि आप दूसरे की चीज़ों पे अपना हक जिताने की कोशिश करें, किसी का हक खाने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो किसी भी टाइम आपके सामने कुछ भी लेके आ सकती है। तो इस पैगाम के साथ कि जो है उस पर खुदा का शुक्र अदा करें, लालच को छोड़ दें और किसी का हक खाने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि खुदा देख रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और मुझे अपने खजानों से बहुत ज़्यादा इज्जत दौलत और शोहरत अता करे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।